हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट है, यहाँ पे आपको साइंस के यहाँ पे पिछले साल का प्रश्न पत्र कराऊंगा। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि क्यूरियोसिटी के भी क्वेश्चन कराइए, तो मैं आपको यहाँ पे सामान्य विज्ञान का, यहाँ पे साइंस का पिछले साल का प्रश्न पत्र लेके आऊँ। ठीक है, हालाँकि आप लोग पता होगा 10 क्वेश्चन ही पूछे आते हैं। मैंने यहाँ पर 2019 और 2020 के क्वेश्चन ऐड करें, मुझे केवल 20 ही क्वेश्चन यहाँ पे मिल पाए 2019 और 2020 से। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन मिल पाए, तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा पिछले साल का पेपर का पैटर्न किस तरह का बना था। देखो लिखा है आपका क्यूसेक किसका मात्रक होता है, क्यूसेक होता है जो आपका किसका मात्रक होता है। मैंने आपको बताया भी था बहते हुए पानी का जो अप्स बहते हुए पानी का आयतन उसका मात्रक होता है क्यूसेक। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए थे, ग्रह से, सौरमंडल से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो आपको ही पता होगा शुक्र और मंगल के बीच में। यदि पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो आपका शुक्र है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। कौन सा है, बुध है। अगर ऑप्शन में अगर बुध ना आए तो उसके दूसरे नंबर में आपका शुक्र होता है। अगर शुक्र भी ऑप्शन में ना आए तो फिर तीसरे नंबर में पृथ्वी होता है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध होता है, अगर बुध ऑप्शन में आए तो शुक्र, फिर नहीं तो पृथ्वी। समझ गए होंगे, क्योंकि बुध के बाद में शुक्र आता है। और सबसे गर्म आपका यदि पूछ लिया जाए ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। शुक्र गर्म ग्रह है, और सबसे सांझ का तारा, भोर तारा, चमकीला तारा भी ग्रह कहते हैं। ठीक है, वैसे ये राइट ऑप्शन है। आप लोग सो रहे होंगे सूर्य के सबसे निकटतम बुध होता है, तो बुध गर्म क्यों नहीं होता, शुक्र क्यों होता है। बुध इसलिए नहीं गर्म होता क्योंकि सूर्य के ज़्यादा तापमान के कारण इसका वायुमंडल समाप्त हो गया है। शुक्र का थोड़ा मैनेज हो गया, नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन बुध का ख़त्म हो गया है वायुमंडल, इसलिए दिक्कत होती है। इसलिए बुध गर्म नहीं है ग्रह, शुक्र है। चलो अगला देखते हैं, विभवांतर किससे मापा जाता है। विभवांतर होता है वो आपका किससे मापा जाता है, तो वोल्टमीटर से मापा जाता है। तो देखो ये आपका पिछले साल का प्रश्न पत्र भाई 2019 और 2020 के क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया मैंने, तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कर लेना। इसका मैंने आपको जीके भी करा दिया। ठीक है, मेरे पास पेपर था इसका, तो मैंने आपको जीके करा दिया, अब मैं साइंस करा रहा हूँ। ठीक है, चलो जितने क्वेश्चन मिले आप लोग कह रहे थे, तो पीरियड के क्वेश्चन इसमें ले लिए। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा, बताइए। यहाँ पर शुक्र है। अगला देखते हैं, 25 है। अगला देखते हैं, शुष्क बर्फ़ है। शुष्क बर्फ़ किसे कहते हैं, 25 नंबर प्रश्न है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहते हैं। ये काफ़ी क्वेश्चन पे वही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड वही आपका CO2 होता है। रिकेट्स रोग है किस विटामिन की कमी से होता है। रिकेट्स रोग आपका किस विटामिन की कमी से होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पे इसका C। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया 26 नंबर, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है सबसे अधिक कहाँ पे होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पे होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो जो ध्रुव होता है, मतलब पोल्स पर होता है, पोल्स भी लिख के आ सकता है, ध्रुवों पर होता है, याद कर लेना। आँख पर प्रकाश डालने पर प्रकाश की किरणें रेटिना पर एक बिंदु पर इकट्ठा न होने कौन सा दोष होता है। 28 नंबर प्रश्न है, तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तालाब के पानी की निचली सतह ठंडी क्यों होती है, तालाब के जो पानी की निचली सतह है आपको ठंडी लगेगी, इसका रीज़न क्या होता है, तो होता है संवहन के कारण होती है, वो होती है संवहन के कारण। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया निकट दृष्टि वैषम्य के निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए तो अवतल होता है, निकट के लिए अवतल होता है, कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है, और दूर के लिए उत्तल होता है। वैसे राइट ऑप्शन यहाँ पे A पार्ट है। ये सारे प्रश्न देख लो आपके कैसे आए थे, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो आपके फिजिक्स से आते हैं, थोड़े केमिस्ट्री से, थोड़े बायो से। ठीक है, चलो तो इसी हिसाब से आते हैं, और 10 क्वेश्चन आपके आते हैं साइंस में। अगला देखते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 है, तो तत्व क्या होगा। सबसे पहले आप लोग समझ नहीं आ रहा होगा तो इसको गिन लो, 8 8 16 17 18 18 किसका होता है, AR मतलब आर्गन का होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे 31 का A पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत प्रभावित होती है। ओजोन परत होती है वो प्रभावित होती है, तो आपका वायु प्रदूषण से प्रभावित होती है। ओजोन परत क्या करती है, पृथ्वी पर आने वाली जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर रोकती है, पृथ्वी पर नहीं आने देती। अगर सूर्य से पराबैंगनी जो UV रेस होती हैं अगर आ गई पराबैंगनी किरणें, तो हमारे शरीर को हानिकारक त्वचा कैंसर भी दे सकती हैं, या बिना बीमारी हो सकती काफ़ी, इसलिए ओजोन परत रोकती है। और भैया इसी अच्छे काम के लिए इनको ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत प्रभावित होती है वायु प्रदूषण से। अगला दिया गया, इस टाइप का मैंने प्रश्न कराया था आपको, चालक तार का जो प्रतिरोध है R ओम दिया, यदि इसको मोड़कर वृत्ताकार बना दिया जाए तो इस वृत्त के व्यास के स्वरूप के मध्य प्रतिरोध कितना होगा। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो। इसका उतना ही रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं, 8 ओम रहेगा। अगला देखते हैं, जब तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो क्या परिवर्तित होता है। जब तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो क्या परिवर्तित होता है। 34 नंबर प्रश्न है, तो दोनों जैसे कि वेग और दिशा, वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तरंगे एक माध्यम जैसे दूसरे माध्यम जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी में भी अंतर होगा और दिशा भी बदलेगी, तो दोनों होता है। यहाँ पे एक चीज़ और क्वेश्चन बनता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं बदलती या फिर कह सकते हो अपवर्तित रहती है। तो जो फ्रिक्वेंसी कह सकते हो आवृत्ति है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर नहीं बदलती है। ठीक है, चाय किस धातु के बर्तन में शीघ्र ठंडी हो जाती है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 35 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा, जो एजी होता है मतलब चांदी। चाय किस धातु के बर्तन में शीघ्र ठंडी हो जाती है, चांदी के बर्तन में। 35 का यहाँ पे ए पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलो भाई जिन्होंने पहला एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, इसी टाइप के आप सारे क्वेश्चन आपके बने थे 2019 और 20 में। ताप के सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में पैमाने समान पाठ्यांक दर्शाते हैं, कौन सा ऐसा है। चारों में से आपको राइट ऑप्शन बताइए, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो वही है आपका -40 डिग्री सेल्सियस होता है, जो जिसमें सेल्सियस और फारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, उसका मुख्य घटक क्या होता है, ये पूछा गया है। 37 नंबर प्रश्न है, तो इसका जो होता है CH4 होता है। अगला देखते हैं, जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं उसे क्या कहते हैं। जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं उसे क्या कहते हैं। 38 नंबर प्रश्न का सी, उसे कक्ष कहते हैं। कक्ष में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं उसे कक्ष कहते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का जो उपयोग किया जाता है वो जटिल परपथ में किया जाता है, क्या होगा। अगर आपको जीके साइंस रीजनिंग किसी का भी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट बता देना, लिंक सीधा दे देंगे, उस लिंक से प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।